प्रश्न संख्या 206। एक, खेलकूद प्रतियोगिताओं तथा ओपन खेलकूद प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुलिस विभाग में प्राथमिकता व बोनस अंक नहीं दिए जाते हैं, अपितु राजस्थान पुलिस सेवा नियम 1989 के प्रावधानानुसार उप निरीक्षक / प्लाटून कमांडर पद पर भर्ती किए जाने हेतु कुल रिक्तियों के 10% तथा कांस्टेबल पद की कुल रिक्तियों के 2% पदों पर खेल कोटा के अभ्यर्थियों की भर्ती हेतु आरक्षण का प्रावधान है। परिशिष्ट क, राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2015 एवं राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 1971 में वर्णित प्रावधान के अंतर्गत शारीरिक प्रशिक्षक ग्रेड 3rd एवं 2nd की सीधी भर्ती के लिए क्रीड़ा प्रतियोगिता में भाग लेने और अर्जित स्थान के प्रमाण पत्र के आधार पर अभ्यर्थियों को अंक दिए जाने का प्रावधान है। क्रमशः परिशिष्ट ख एवं परिशिष्ट ग, राज्य की अधीनस्थ सेवाओं में आयोग के परिक्षेत्र से बाहर के पदों अर्थात ग्रेड पे 3600 तक की सीधी भर्ती में उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 2% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। परिशिष्ट ग, 2, राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य अधीनस्थ सेवा नियम 2015 एवं राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम प्रशिक्षक ग्रेड 3rd एवं 2nd की सीधी भर्ती के लिए क्रीड़ा प्रतियोगिता में भाग लेने और अर्जित स्थान के प्रमाण पत्र के आधार पर अभ्यर्थियों अंक दिए जाने का प्रावधान है। परिशिष्ट क एवं परिशिष्ट ख, 3, इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। क्या राज्य सरकार समस्त विभागों के अधीनस्थ सेवाओं में क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में भाग लेने अर्जित स्थान के प्रमाण पत्र के आधार पर अभ्यर्थियों को अंक देने का विचार रखती है या नहीं? मैंने बताया ना, सरकार द्वारा आयोजित खेलकूद प्रतियोगिताओं हेतु 2% कोटा तो मिलेगा, परंतु उनको जैसा आप तीसरे प्रश्न के उत्तर में मैंने बताया कि इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। आपने ये 2 में दिया है सब उसका, कि बाहर वालों को अंक दिए जाने का प्रावधान है तो उसके अधीनस्थ के जो अंदर आते हैं उसके अधीन उनको देंगे या नहीं देंगे। फिर दूसरा प्रश्न मैं करना चाहूँ, राज्य सरकार के अधीनस्थ सेवाओं में आयोग के परिक्षेत्र के भीतर के पदों यानी ग्रेड 3600 के ऊपर के पदों को उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 2% देने का विचार रखते हैं, तो उसी तरीके से उनके अधीनस्थ जो अधीन आते हैं उनको देने का विचार रखते हैं या नहीं? 3600 ग्रेड पे तक 2% आरक्षण है। जहाँ तक आपने अधीनस्थ सेवाओं का और संस्कृत सेवाओं के बारे में मैंने आपको बताया कि केवल उसमें बोनस अंक दिए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को 40, राष्ट्रीय विजेता को इसमें 40 अंक, राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जो 2nd आते हैं उनको 36, 3rd आते हैं उनको 32, राष्ट्रीय स्तर पर भाग या राज्य स्तर 2nd पर 24, राज्य स्तर 3rd पर 20, ये इस तरीके के प्रावधान दिए गए हैं। 3600 ग्रेड पे तक सबको 2% आरक्षण जो है, आपने संस्कृत का दिया है, अन्य विभागों में देने का विचार है या नहीं है? नहीं है तो 2019-20 में कितने खिलाड़ियों को? देखिए, ये एक आदेश निकला है 21 नवंबर 2019 को, इसमें स्केल 3600 ग्रेड पे तक की भर्तियों में राजस्थान राज्य के ओपन खेलकूद प्रतियोगिताएं जो राज्य खेल संघों द्वारा आयोजित की जाती है उनमें विजेता रहकर राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को 2% आरक्षण के लिए पात्र माना गया है। माध्यम से प्राथमिकता दी जा रही है, यह संशोधित प्रावधान दिनांक 21/11/2019 को लागू किया जा चुका है। मंत्री जी, उनका प्रश्न है कि संस्कृत शिक्षा में यह प्रोविजन है, क्या ऐसा प्रोविजन और सेवाओं में करेंगे? वो अभी मैंने कहा ना, अभी विचाराधीन नहीं है। अगला प्रश्न, सिलाखन सिंह।